आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप जान पाएंगे कि अगर इरादे मजबूत हों तो स्थितियों को बेहतर बनाने के और भी तरीके हैं। आपने तमाम तरीके के बैंक देखे होंगे, हाल फिलहाल में रोटी बैंक, कपड़ा बैंक भी सुर्खियों में आया है, लेकिन हम आपको सबसे अनोखे बैंक से मिलवाने जा रहे हैं जहां बच्चे मैनेजर भी हैं और कर्मचारी भी। इस बच्चा बैंक के खाता धारक भी बच्चे ही हैं। तस्वीर है कानपुर जिले के कटरी शंकरपुर गांव की, जहां के स्कूल में दो शिक्षकों शशि मिश्रा और अब्दुल के जज्बे से एक ऐसी पहल हुई है जिससे बच्चों को न केवल बचत की शिक्षा मिल रही है बल्कि उनके भविष्य के लिए भी जमा पूंजी इकट्ठी हो रही है, वो भी ऐसे इलाके में जहां स्कूल चलाना तक मुमकिन नहीं था। आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, बालू था, 2 किलोमीटर हमको बालू के अंदर आना पड़ता था और कांस का जंगल था, ये कछार है गंगा जी का, बड़ी मुश्किलों से मतलब आना ही एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और काम करना तो उससे बड़ा कहीं चैलेंज था। मल्लाह बहुल इस इलाके में गरीबी ज्यादा है, लिहाजा अक्सर अभिभावक 8वीं पास होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, मगर टीचर्स की कोशिश ने अब बच्चों के लिए आगे पढ़ने का रास्ता भी खोल दिया है। 8वीं पास करने के बाद कोई बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे कम होते हैं तो भी ये दोनों टीचर उनकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ से एयर से जब उसको जाना होता है तो उसके गार्जियन पैसे की वजह से एडमिशन नहीं कराते, कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, एक्चुअली वो पढ़ाई के लिए जागरूक ही नहीं है। तब हम इन लोगों को बैंक में, तब बच्चा ये कन्विंस करता है कि नहीं पैसे मेरे पास हैं, फिर उसके पास अगर कोई कम पड़ता है तो वो पैसा हम लोग अपने पास से लगा देते हैं जिसमें उनकी पढ़ाई जो है ना सुचारू रूप से आगे की चलती रहे। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये बच्चा बैंक काम कैसे करता है। दरअसल इस बैंक में हफ्ते के हर शनिवार छात्र पैसे जमा करते हैं, ये पैसे उनकी जेब खर्च से बचाए हुए होते हैं, कम से कम 10 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से जमा करने होते हैं। इसके लिए बकायदा बच्चों को पासबुक भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनकी जमा रकम का पूरा और पक्का हिसाब रहे। जाहिर है इस कोशिश ने इलाके में एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार की है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन शिक्षकों के लिए साल 2008 में जब यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय की नींव रखी गई थी तो खासा विरोध हुआ था। 2 किलोमीटर लंबी रेतीली जमीन पर पैदल सफर कर यहाँ पहुँचना होता था, ऊपर से लोगों का विरोध, मगर शशि मिश्रा और अब्दुल नाम के दो शिक्षकों के जज्बे ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। आज हालात ये है कि 17 बच्चों से शुरू हुए स्कूल में 121 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमने कोशिश की, हम लोगों ने अपने ट्रांसफर यहाँ कराए स्वेच्छा से, फिर 17 लोगों से हमने इसमें काम किया, 17 बच्चे हम ढूंढ के उस वक्त ला पाए थे कुल, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अपने आप में अनोखे इस स्कूल में टीचर्स के जज्बे और बच्चों की लगन को जिला प्रशासन ने भी प्रोत्साहित किया है। गाँव में बिजली भले ही नहीं है मगर इसका भी विकल्प सोलर एनर्जी से निकाल लिया गया है। वहाँ के टीचर और स्टूडेंट ने अपनी कुछ कुछ समस्याएं मेरे पास रखी तो मैंने वहाँ के ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन से उस विद्यालय में बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर प्लांट की स्थापना करवाई है और उससे वहाँ पे आरओ प्लांट चल रहा है, बच्चों को आरओ वाटर मिल रहा है। हौसला बुलंद और इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। कानपुर का वो इलाका जो कभी अपराधियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता था वो आज शिक्षा की रोशनी बिखेर रहा है। पढ़ाई के साथ ही यहाँ के बच्चे बचत का जो सबक सीख रहे हैं वो उनके भविष्य निर्माण की राह भी आसान कर रहा है। जाहिर है कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं यहाँ के उनकी मेहनत बीते 8 सालों में रंग लाई है, कहीं ना कहीं जो बच्चों का बैंक है वो भी अपने में यूनिक इनिशिएटिव जरूर कहा जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाकी के जो यूपी के प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें इनसे सीख क्यों नहीं लेनी चाहिए। योगेंद्र प्रताप सिंह, इंडिया 24/7, कानपुर।